हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही यूनिक वीडियो। और दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक नहीं दो नहीं टोटल 9 पेंसिल बॉक्स। गाइस फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी पेंसिल बॉक्स है और कैसे ये ओपन होती है और कितना स्पेस है इन पेंसिल बॉक्स में। और सभी लोगों का सपना होता है कि हमारे पास एक अच्छी पेंसिल बॉक्स हो। मेरा भी सपना था दोस्तों, जब मैं स्कूल जाता था तो मैं सोचता था मेरे पास एक बहुत ही प्यारी पेंसिल बॉक्स हो। गाइस बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताना आपको 9 पेंसिल बॉक्स में सबसे अच्छी पेंसिल बॉक्स कौन सी लगी दोस्तों। तो चलो फटाफट मैं आपको 9 पेंसिल बॉक्स दिखाता हूं और फिर मुझे बताना आपको कौन सी बेस्ट पेंसिल बॉक्स लगी गाइस, और मैं भी बताऊंगा मुझे सबसे अच्छी पेंसिल बॉक्स कौन सी लगी। तो पहली पेंसिल बॉक्स है गाइस, ये प्रिंसेस की पेंसिल बॉक्स है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ी पेंसिल बॉक्स है और इसके अंदर आती है एक पेंसिल भी मिलता है, इरेजर भी मिलता है, फुट्टा भी मिलता है, रूलर भी बोल सकते हैं, टाइम टेबल मिलता है, व्हाइट बोर्ड भी मिलता है इसके अंदर, और एक मार्कर। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने निकाल लिया ज्योमेट्री बॉक्स से। खाली ये ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो मैं ओपन करके दिखाता हूँ ये ज्योमेट्री बॉक्स कैसी दिखती है। तो फर्स्ट ढक्कन को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, और इसके अंदर हम 1, 2, 3 तो पेंसिल रख सकते हैं या स्केच पेन रख सकते हैं या अपने पेन रख सकते हैं। सेकंड कंपार्टमेंट को ओपन करते हैं, सेकंड कंपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है गाइस। और सबसे यूनिक इस पेंसिल बॉक्स को बनाता है ना तो दोस्तों ये है व्हाइट बोर्ड गाइस। ये देखो ये क्या है, पुल टू ओपन, तो पुल कर लेंगे फिर ओपन करेंगे दोस्तों। तो ये है एक व्हाइट बोर्ड दोस्तों, ये देखो कितना अमेजिंग व्हाइट बोर्ड है। हम मार्कर से यहाँ कुछ भी लिखेंगे फिर रफ कर देंगे दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग ये व्हाइट बोर्ड वाला पेंसिल बॉक्स है गाइस, बहुत ही अमेजिंग आता है इस पेंसिल बॉक्स को। इसीलिए मैंने अपने कलेक्शन में ये वाली पेंसिल बॉक्स रखी है। तो ये थी पहली पेंसिल बॉक्स गाइस, चलो रख लेते हैं। अब दिखाता हूं सेकंड पेंसिल बॉक्स गाइस। तो सेकंड पेंसिल बॉक्स है यूनिकॉर्न की, ये बस वाली पेंसिल बॉक्स देख सकते हो, काफी बड़ी पेंसिल बॉक्स है। और ये पेंसिल मैंने 100 रुपीज की परचेज करी है और ये वाली पेंसिल बॉक्स मैंने 200 रुपीज की परचेज करी है, नहीं 180 रुपीज की परचेज करी है गाइस। तो मैं आपको दिखा दूं ये ओपन कैसे होती है। तो फर्स्ट गेट को ओपन करते हैं तो गाइस इस तरह का इंटरफेस देखने मिलता है। यहाँ टाइम टेबल मिल जाता है, हमें अपने जो क्लास का शेड्यूल है वो सब लिख सकते हैं इस वाले स्पेस में, और हम अपना आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं इस जगह, और काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है इसमें। 1, 2, 3, 4, 5 तो हम पेंसिल पेन या कलर पेन कुछ भी लगा सकते हैं, काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। फ्रंट में हमें मिलते हैं दो बटन है, इस बटन का यूज देख लेते हैं। देखो दोस्तों इस बटन को दबाते काफी अच्छा सा कंपार्टमेंट निकलता है, काफी अच्छा स्पेस और काफी बड़ा कंपार्टमेंट है। सेकंड बटन को भी दबाते हैं तो एक छोटा सा कंपार्टमेंट निकलता है दोस्तों। और ये देखो ये क्या है, सबसे अच्छी बात है ना गाइस, ये देखो ऐसे रख लिया और फिर हम इसे खेल भी सकते हैं। इसके व्हील है ना जो तो काफी मूवेबल है, मूव होते हैं ये व्हील, घूमते हैं। देखो इसमें कितने व्हील है, 6 व्हील है, जैसे आप सभी को पता है बस में 6 व्हील होते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर भी 6 व्हील है। तो ये चलो इसे रखते हैं, और इसे नहीं रखते हैं, अभी बैक साइड से दिखाता हूँ। तो बैक साइड से कुछ इस तरह से ओपन होता है और ये स्पेस मिलता है बैक साइड में। और सबसे यूनिक जो इस पेंसिल बॉक्स को बनाता है ना तो ये वाला पार्ट है गाइस। यहाँ देखो यहाँ लिखा है पुश, तो पुश करेंगे और बोनट खोल देंगे गाइस। बोनट खोलते यहाँ देखो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल गया, हम जगह इरेजर रख सकते हैं या कॉइन भी रख सकते हैं। और यहाँ हमें मिलता है एक बहुत ही प्यारा सा शॉर्पनर गाइस, देखो यहाँ शॉर्पनर मिल जाता है हमें इस जगह, और किसी को पता भी नहीं चलेगा इस जगह हमने शॉर्पनर रख रखा है दोस्तों। तो ये कैसी ज्योमेट्री बॉक्स लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताना दोस्तों। चलो इसे रखते हैं, थर्ड पेंसिल बॉक्स को ओपन करते हैं। तो थर्ड है स्नो माउंटेन बस गाइस, तो ये थर्ड पेंसिल बॉक्स है। और देखो ये बस की तरह, ये भी मिनी बस की तरह, ये बड़ी बस की तरह से ये मिनी बस की तरह है। तो चलो ओपन करते हैं, और ये देखो इसे कैरी करने के लिए काफ़ी प्यारा है, एक हैंडल दिया हुआ है, देखो काफ़ी अमेजिंग हैंडल है। और ये मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स है गाइस, पेंसिल बॉक्स है मेटल की, काफ़ी अच्छा है इसका वेट है। और चलो इसे ओपन करते हैं, तो ओपन करने पे ये दिखती कैसी है दोस्तों, ये देखो ओपन कर लिया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस अंदर को देखने को मिलता है। तो ऐसा लग रहा है जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, नीचे वाले कंपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, सेकंड वाले कंपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। तो ये थी हमारी तीसरी पेंसिल बॉक्स गाइस, ये देखो बहुत ही अमेजिंग है, ये देखो मिनी बस स्नो माउंटेन बस है गाइस, ये बहुत ही प्यारी पेंसिल बॉक्स। ये कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताना। चौथी पेंसिल बॉक्स है ना गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खतरनाक पेंसिल बॉक्स है गाइस। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो इसमें नेविगेशन मिल जाता है हमें देखने को, और जो इसका ये शार्पनर वाला पार्ट है ना वो बहुत ही अमेजिंग है यार। चलो मैं आपको दिखा दूँ कैसे अमेजिंग है। तो ये बटन है, इस बटन को हम दबाएंगे तो देखना, ये देखो बटन दबाते ऊपर निकलता है ये शार्पनर गाइस,
देखो ऊपर निकलता है, देखो फिर इसे बंद कर देता हूँ शॉर्पनर को और फिर बटन दबाऊंगा तो ये देखो ये शॉर्पनर कैसे निकलता है, ऊपर की साइड निकलता है और इस सेकंड बटन को दबाऊंगा तो सेकंड बटन ये देखो सेकंड बटन है और यहाँ पे लिखा है हमारा पासवर्ड और पासवर्ड क्या है ये देखो 9011। तो ये पासवर्ड है, हम इस जगह मेंशन करेंगे जब ये गेट ओपन हो पाएंगे गाइस। ये देखो तो 9011 को हम ओपन लगा लेते हैं और फिर जब ये दोनों साइड से ओपन होगी, नहीं तो नहीं ओपन होगी दोस्तों। तो देखो तो पासवर्ड लगा लेते हैं, तो सबसे पहले क्या है 9011 है तो मैं 9011 लगा लेता हूं दोस्तों। मैंने 9011 पासवर्ड लगा लिया और इस जगह एक्सेस करेंगे और ये ओपन हो जाएगा दोस्तों। ये देखो बैक साइड से ऐसे ओपन हो गया, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है हमें। और फ्रंट में ओपन करते हैं दोस्तों, फिर इसे दबाएंगे और फिर फ्रंट से ओपन कर लेंगे। ये देखो दोस्तों इस तरह से ओपन होती है, बिना पासवर्ड के ये पेंसिल बॉक्स ओपन नहीं होगी गाइस। इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, दो दो स्पेस मिलता है दोस्तों हमें, इस जगह स्पेस मिलता है और इस जगह भी स्पेस मिल जाता है। इधर 1 2 3 4 5 पेंसिल रख सकते हैं। तो गाइस ये प्रिंसेस की थी नेविगेशन प्लस पासवर्ड पेंसिल बॉक्स गाइस, ये कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताना। और इस पेंसिल बॉक्स को मैंने परचेज किया 180 रुपीज़ की गाइस। तो चलो इसे रख लेते हैं, अब ओपन करते हैं गाइस। कैलकुलेटर प्लस नेविगेशन मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, ये फ्रोजन थीम के ऊपर बेस है गाइस। और इसमें सबसे अच्छी बात है नेविगेशन भी मिल जाता है और ये इसमें कैलकुलेटर भी मिल जाता है दोस्तों में। बहुत ही अमेजिंग ज्योमेट्री बॉक्स है और काफ़ी अच्छी ज्योमेट्री बॉक्स है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है गाइस। तो इसमें हमें फ्रंट में मिल जाता है 1 2 3 4 बटन है, फटाफट यूज देख लेते हैं 1 2 3 और 4 चारों बटन को दबा दिया। तो यहाँ देखो दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें तो मिलती है दो दो शॉर्पनर गाइस। अगर आपके पास कलर पेंसिल छोटे वाले हैं तो छोटा शार्पनर मिला है, अगर आपके पास मोटी पेंसिल वाली पेंसिल है तो दोस्तों तो बड़ा शार्पनर मिला है। दो दो शार्पनर मिल जाते हैं इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर और यहाँ नीचे काफ़ी अच्छा एक कंपार्टमेंट मिल जाता है गाइस इन बटनों को दबाने के बाद। चलो इसे बंद कर देते हैं और ये दो कंपार्टमेंट और मिलते हैं नीचे की साइड, हमें कैलकुलेटर मिल जाता है। इस वाले फ्रंट गेट को ओपन करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है हमें, दो स्पेस है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 पेंसिल रख सकते हैं, इस जगह भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाइस। चलो इसे बंद कर देते हैं, बैक साइड दिखाता हूँ। तो बैक साइड में आपको यहाँ नेम और क्लास के लिए एक चिट मिल जाती है जिसमें आप जिस पे आप नाम और क्लास भी लिख सकते हो गाइस। और इस पेंसिल बॉक्स को ओपन करते हैं दोस्तों, तो देखो दोस्तों यहाँ अच्छा बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक सा स्पेस मिल जाता है, दो दो स्पेस हैं गाइस, दो दो कंपार्टमेंट बने हुए हैं और इसमें भी काफ़ी कुछ सामान आ जाएगा। तो ये थी हमारी कैलकुलेटर प्लस नेविगेशन मिनी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स गाइस। तो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगली पेंसिल बॉक्स है गाइस हमारे पास डोरेमोन जंबो ज्योमेट्री बॉक्स गाइस, और ये काफ़ी बड़ी जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है। अगर ये जंबो ज्योमेट्री बॉक्स अगर आपके पास होगी ना तो आपके सारे दोस्त हैरान हो जाएंगे और फ्लैट हो जाएंगे, आपके आगे पीछे घूमने लगेंगे और हैरान हो जाएंगे इतनी बड़ी पेंसिल बॉक्स कहाँ से लेके आ गया यार ये। तो देखो बहुत ही खतरनाक पेंसिल बॉक्स है और इसमें भी हमें चार बटन मिल जाते हैं फ्रंट में, 1 2 3 4 चार बटन को ओपन कर लिया तो ये तरह का ये इंटरफेस दिखता है आगे से। इसमें बस ये है कि इसमें एक शॉपनर मिलता है, दो शॉपनर नहीं मिलते, बस इसके अंदर का कंटेनर काफ़ी बड़ा है गाइस, जो भी पेंसिल साफ करेंगे उसका सारा कूड़ा काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आ जाएगा। देखो इसका कंपार्टमेंट भी काफ़ी बड़ा है गाइस, इसमें भी काफ़ी कुछ आ सकता है, इसमें हम कुछ भी चीज़ छुपा के रख सकते हैं, अपने कॉइन या कुछ स्टिकर्स आ सकते हैं। फ्रंट में ओपन करते हैं तो फ्रंट में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 पेंसिल रख सकते हैं और काफ़ी बड़ा स्पेस है। और यहाँ देखो यहाँ पे 1 2 3 3 तो हम पेन स्टैंड मिल जाते हैं गाइस हमें। और सबसे अच्छी बात है अगर आपके पास कॉइन और पैसे हैं तो आप सोचते हो कि मैं छुपा के रखूँ, तो इसमें एक हाइड कंपार्टमेंट है। देखो ये कहाँ पे ये इस बटन को दबाएंगे और ये ओपन हो जाएगा, देखो इस जगह हम अपने कॉइन छुपा के रख सकते हैं गाइस इस पेंसिल बॉक्स के अंदर। ये देखो और किसी को पता भी नहीं चलेगा इस जगह कॉइन छुपा रखा है आपने, ये देखो काफ़ी अच्छा स्पेस है। और सबसे अच्छी बात है अगर आपके पास कलर पेंसिल ज़्यादा है या आपके पास पेन ज़्यादा है तो क्या करोगे आप, इसमें तो आएगा नहीं, तो इसमें एक और हिडन स्पेस मिलता है गाइस, कंपार्टमेंट मिलता है। इस बटन को दबाएंगे ना दोस्तों हम, तो ये देखो इस बटन को दबाया तो नीचे देखो कितना बड़ा एक शटर निकला है दोस्तों, और इसमें हम काफ़ी कुछ रख सकते हैं। देखो दोस्तों 1 2 3 4 4 5 पेंसिल तो रख ही सकते हैं, नीचे से कंपार्टमेंट निकलता है और हिडन कंपार्टमेंट है गाइस, काफ़ी गजब का ये कंपार्टमेंट है। चलो इसे बंद कर देते हैं दोस्तों इन सारी चीज़ों को और बैक साइड से दिखाते हैं ये पेंसिल बॉक्स कैसी है गाइस। बैक साइड में भी आपको नेम और क्लास के लिए एक चिट मिल जाती है और यहाँ पे केवल एक गेट मिलता है जिससे ओपन करते ही ये वाला कंपार्टमेंट ओपन होता है और यहाँ दो स्पेस है गाइस, कंपार्टमेंट के दो पार्ट हैं,
एक ये वाला पार्ट है कि ये वाला पार्ट है, दो काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिल जाता है। तो गाइज ये थी डोरेमोन की जम्बो ज्योमेट्री बॉक्स। गाइज कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। अब तीन ज्योमेट्री बॉक्स बची है, तीनों को दिखा दूँ फटाफट। तो ये है गाइज फ्रोजन की स्टील वाली ज्योमेट्री बॉक्स गाइज, और ये देखो कितनी सिंपल दिख रही है ना, बट अंदर से ना ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही प्यारी पेंसिल बॉक्स है गाइज। चलो ओपन करके दिखाता हूँ ये पेंसिल बॉक्स कैसी दिखती है। तो ये देखो दोस्तों, वाह बहुत ही खतरनाक ना दोस्तों। देखो चारों तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ कितनी खतरनाक ये पेंसिल बॉक्स है दोस्तों। ये देखो कितनी खतरनाक, ये देखो देखो, तो ये देखो स्पेस देखो दोस्तों, कितना सारा स्पेस है इस पेंसिल बॉक्स में गाइज। देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है हमें, और काफ़ी मजबूत और काफ़ी डिसेंट पेंसिल बॉक्स है गाइज। ये देखो है ना, ये गनलेस पेंसिल बॉक्स है गाइज। ये देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है अंदर से, और यहाँ आपको काउंटिंग भी मिल जाती है, टेबल भी लिखी हुई है, और काफ़ी अच्छा स्पेस भी मिल जाता है गाइज इस पेंसिल बॉक्स के अंदर। चलो रख लेते हैं अगली पेंसिल बॉक्स है गाइज हमारी डोरेमोन ज्योमेट्री बॉक्स, बस ज्योमेट्री बॉक्स। और इसमें बैक साइड में तो हमें मिल जाता है एक वाइट बोर्ड मिल जाता है, और इसके अंदर देखो काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा होगा आपको, पेंसिल भी, रूलर भी, और शार्पनर भी। चलो ओपन करते हैं, और ये डोरेमोन की फोटो छपी है पूरे ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर, आप देख सकते हो। तो ये देखो इसे ओपन किया तो यहाँ हमें मिलता है डोरेमोन का एक बहुत ही अमेजिंग पेंसिल गाइस, जिसमें पूरी प्रिंटेड डोरेमोन की फोटोज हमें यहाँ मिल जाता है। एक मार्कर दोस्तों, एक शार्पनर मिल जाता है बहुत ही प्यारा, एक रूलर मिल जाता है, फुट्टा जिसे बोलते हैं गाइस 15 सेंटीमीटर का, देखो एक फुट्टा मिल जाता है दोस्तों। और इस मार्कर का यूज़ देखो क्या है, इस मार्कर से मैंने लिख लिया जैसे वी वी के लिख लिया हमने बोर्ड पर, और फिर इसे मिटा लेंगे, ये है डस्टर गाइस तो इसे मिटा लेंगे। ये देखो व्हाइट बोर्ड वाला डस्टर मिला है गाइस, और व्हाइट बोर्ड भी मिला है इस ज्योमेट्री बॉक्स में। तो काफ़ी यूनिक ये ज्योमेट्री बॉक्स है, और इसके अंदर भी स्पेस है गाइस। ये देखो इस वाले पार्ट को हटा लेंगे तो अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, हम कुछ भी छुपा के रख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही गजब और बहुत ही डेसिंग पेंसिल बॉक्स है गाइस। और लास्ट पेंसिल बॉक्स है, ये है फोर डोर जंबो ज्योमेट्री बॉक्स गाइस। इसमें चार गेट हैं दोस्तों इस जगह। तो पहले तो इसमें फ्रंट में तो हमें मिल जाते हैं दो बटन का यूज़ देख लो क्या है। तो दो बटन का यूज़ ये है, और ये देखो ये पेंसिल अभी फंस गई है शायद, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये इसमें हमें मिलते हैं दो शार्पनर गाइस। इस वाले में फोर गेट जंबो ज्योमेट्री बॉक्स में हमें दो शार्पनर, एक काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है गाइस। बट इसमें से है चार गेट कैसे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। एक गेट तो ये है जिसमें काफ़ी कुछ हम रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस है, हम पेंसिल या पेन को इसमें सेट करके रख सकते हैं। दूसरे वाले गेट में ये देखो, दूसरे वाले गेट में भी बिल्कुल सेम चीज़ है, इसमें भी हम पेंसिल रख सकते हैं। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में ये देखो दोस्तों, बैक साइड में केवल सिंपल सा स्पेस है और कुछ नहीं है। और चौथे गेट में देखो बिल्कुल सिंपल सा है, और इसमें भी काफ़ी कुछ और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इस वाले चार गेट जंबो ज्योमेट्री बॉक्स में गए। तो ये थी 9 जंबो ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल बॉक्स। आपको सबसे अच्छी पेंसिल बॉक्स कौन सी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे तो सबसे अच्छी, सच बताऊं तो ये नेविगेशन प्लस पासवर्ड प्रिंसेस ज्योमेट्री बॉक्स बहुत ही अच्छी लगी। आपको सबसे अच्छी पेंसिल बॉक्स कौन सी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ, जब तक बाय बाय दोस्तों।